समूचे महाराष्ट्र में बाजार समितियों के चुनाव चल रहे हैं। सामने बाजार समिति चुनाव हेतु 28 अप्रैल 2023 को मतदान और 29 अप्रैल 2023 को मतगणना होना तय था, लेकिन 18 सदस्यीय सामने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के नामांकन हेतु केदार गुट के कुल 19 सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें नामांकन वापसी की 20 अप्रैल 2023 को केदार गुट की ही पूर्व बाजार समिति सभापति बंडू चौधरी ने अपना नामांकन वापस लेते ही सभी 18 प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत निश्चित हो गई। बाजार समिति चुनाव प्रक्रिया के नामांकन वापसी 20 अप्रैल 2023 को थी। सामने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कुल 18 पदकों के लिए मात्र 19 नामांकन दाखिल हुए थे, जिसमें केदारगढ़ के ही कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व सभापति गुणवंता चौधरी ने अपना नामांकन वापस लेने से केदारगढ़ के सभी 18 प्रत्याशी निर्विरोध चुनकर आने से हर्षा का वातावरण निर्माण होकर सुनील बाबू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है के नारों से परिसर गूंज उठा। नव निर्वाचित सभी सदस्यों का पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष बनुहा कुंभारे, सावनेर पंचायत समिति के सभापति अरुणा शिंदे, उप सभापति राहुल तिवारी, वरिष्ठ समाजसेवी बेजना डोंगरे आदि ने फूल मालाएं पहनाकर अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो कि सहकार महर्षि स्वर्गीय बाबा साहेब केदार द्वारा नागपुर जिले समेत समूचे विदर्भ के सहकार क्षेत्र में रखी नींव इतनी मजबूत है कि उसे भेद पाने में भाजपा हमेशा ही नाकाम रही है और वही परिपाटी पूर्व मंत्री और क्षेत्र के विधायक सुनील केदार बड़े ही बखूबी से निभा रहे हैं। इसी की वजह से सहकार क्षेत्र के हर मोर्चे पर वह सफल हो रहे हैं। उन्हें ग्रामीण खेतीहर मजदूर एवं किसानों की जमीनी समस्याएं अवगत है और उनके निराकरण हेतु सुनील बाबू लगातार प्रयत्नशील रहने की बात मनोहर कुंभारे ने कही। बाजार समिति में निर्विरोध चुनकर आए प्रत्याशियों में सूरज नवले, मयूर जिचका, चंद्रशेखर कुंभलकर, सुभाष राठे, सुरेश केने, काशीराव पेठे, वैभवी पाटिल, मनोरमा चोपड़े, अशोक डबरे, दुर्वास लाखे, गुणवंत काले, रविंद्र चिकली, प्रकाश लांजीवार, प्रवीण झाड़े, विनोद जैन, जगदीश ठाकुर और श्रावण दुर्गवार का समावेश है। बाजार समिति का जो चुनाव सावन का जो अविरत हुआ है, आदरणीय बाबा साहब केदार के जमाने से 50 सालों से ये बाजार समिति और नागपुर क्षेत्र में जो सहकार क्षेत्र है, तो केदार गुट का दबदबा रहा है और वो दबदबा सुनील केदार जी अभी नागपुर जिले में सहकार क्षेत्र संभाल रहे हैं, उसी के चलते हुए जो सावनेर में आज कृषि उत्पन्न बाजार समिति निर्विरोध जो चुनी गई है 18 सदस्य, वो सबका सब उसका जो श्रेय है साहब को, आदरणीय सुनील केदार साहब को और उन्हीं के जो कार्यकर्ता मंडली है उन्हीं को जाता है। ये चुनाव का अगर देखे जाए तो विरोधी पक्ष जो है बीजेपी वाले जो नेतागण थे उन्हीं के पास में ये चुनाव में उतारने के लिए पर्याप्त जो संख्या हो रहा था वो माजी बाजार समिति के सभापति थे साहब के करीबी है और साहब के कहने पे उन्होंने गुट के लिए केदार गुट के लिए उन्होंने अपना बीजेपी चुनाव में कहीं नहीं थी, बीजेपी चुनाव में उतार नहीं सकती क्योंकि उनकी सहकार क्षेत्र में केदार गुट के साथ में लड़ने की क्षमता ही नहीं है। यानी अभी ऐसा माना जाए कि संपूर्ण महाराष्ट्र या देश के अंदर में एक जो हवा बन रही है जहाँ बीजेपी अपने आप को कम पा रही है, तो ये उसी का असर है, उसी का असर और उसी का जो चमत्कार जो नागपुर में जो वज्रमुट सभा जो सुनील केदार साहब के नेतृत्व में वज्रमुट जो सभा हुई अत्यंत एक ऐतिहासिक और एक चौंका देने वाली सभा हुई कि 1.5 लाख लोग वज्रमुट सभा में थे और उसका जो प्रभाव है ग्रामीण भाग में और महाराष्ट्र में उसका एक अच्छा संदेश गया और एक महाविकास आघाड़ी की सक्सेसफुल सभा जो सभा के जो संयोजक थे आदरणीय सुनील केदार उन्हीं को जाता है। चुनाव 2024 में जो आने वाले जो चुनाव है लोकसभा है विधानसभा है बहुमत से महाविकास आघाड़ी वहाँ पे जीती। NBCN न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।